अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक जादुई क्रीम लेके आई हूँ। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये एक मेडिकल है तो ये मेडिकल से कम नहीं होगी। ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई जादू है। मैंने ये क्रीम यूज़ की है और इसका रिज़ल्ट ऑसम था, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये क्रीम कौन सी है, ये क्रिज्मा ब्रांड की जो है वो क्रीम है, कोजिक क्रीम। डेली डिफेंस है, यानी डेली आपकी जो है वो बूस्टिंग करती है आपकी स्किन की। और इसके अंदर जो है वो उन्होंने फ्री विटामिन सी का जो है वो एक साशे दिया हुआ है, जो आपकी ग्लो को जो है वो इन्हांस करता है। अगर हम इसकी देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ जो है वो हमें रेमेडीज किन चीज़ों में दे रहा है, तो ये रिजॉल्व कर रहा है। ये 100% नेचुरल फार्मूला है और 100% वर्किंग जो है ये करती है ये क्रीम। ये रिजॉल्व कर रहा है हमारी फ्रैकल्स को, जो हमें छाइयाँ पड़ जाती हैं उनको रिजॉल्व करता है। इसके बाद ये हमारी मेलेज़मा को कंट्रोल करता है। हमारी स्किन पे जो डार्क पैचेस पिगमेंटेशन अपीयर्स हो जाती हैं छाइयों की शक्ल में, डार्क स्किन हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं जगह जगह, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स, आइज़ की डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करता है, उसको रेमेडाइज करता है। स्किन वाइटनिंग में भी ये इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मेलाज़मा या फ्रैकल्स या डार्क सर्कल का कोई इशू नहीं है तो ये आपको ग्लो भी देगा, आपकी स्किन इसके साथ ग्लो भी करेगी। इसके बाद ये क्या करती है ये क्रीम, ये एज स्पॉट्स भी है, यानी अगर आपकी ब्लैक एजिंग की वजह से कहीं कहीं स्पॉट बन जाता है फेस पे, तो उन ब्लैक स्पॉट्स को भी कंट्रोल करती है। वो जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो आप कुछ भी कोई वाइटनिंग क्रीम लगा लें, कोई कम्प्लेक्शन इन्हांसिंग क्रीम लगा लें, लेकिन जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो उससे कवर अप नहीं होते। लेकिन ये क्रीम जो है ये वाकई रिज़ल्ट देती है, 100% रिज़ल्ट देती है। 20 ग्राम की ये एक ट्यूब है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अगर देखें तो ये एक क्रीम में हमें 5 सोल्यूशन मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं, फ्रैकल्स है, मेलाज़मा है, आईज़ डार्क सर्कल्स हैं, स्किन वाइटनिंग है और एज स्पॉट है। SPF इसकी 30 है, यानी अगर सन शेड्स सूरज की शुआएँ जो हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन की देती है, ये सूरज की शुआएँ से सन रेज से ये प्रोटेक्शन देती है। किस वैकेंसी से, SPF 30, हाँ जी, प्रोफिशेंसी इसकी यह है 30 है, 30% जो है ये सूरज की शुआओं से है जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो है जोजोबा ऑयल और एवोकाडो ऑयल। ये जो है ये ऑर्गेनिक ऑयल है जो हमारी स्किन को बूस्ट अप करते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल की तरह यूज़ होते हैं हमारी स्किन में एज एसेंशियल ऑयल, ये हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं। अब अगर डायरेक्शन हम इसकी देखते हैं तो डायरेक्शन इसकी बताई हुई है कि इसको आप एक दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं फॉर अ क्लीन स्किन, और इसको भी इसी तरह सर्कुलर मोशन में आपने लगाना है जैसे आप क्रीम्स को लगाते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करना है, पूरे फेस के ऊपर लगानी है और नेक से जो है वो नीचे से लेके आपने टॉप ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन इसके अंदर एक सशे होता है विटामिन सी का, 7x बूस्टर इफ़ेक्ट उसका नाम रखा है, वो विटामिन सी का जेल होता है और उसके अंदर कोजिक क्रीम के अंदर उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर लगाते हैं, तो इसकी जो इफ़ेक्ट है वो फिर और भी ज़्यादा इन्हांस कर जाता है। इसकी रिप्रोडक्शन डेट जो है वो है जी 921, और इसको 3 साल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये 20 ग्राम की जो ट्यूब है ये हमें मिल रही है 280 रिटेल प्राइस में मिल रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, मैं ओपन करती हूँ
और देखती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जी तो गाइस ये हमने ओपन कर ली है, ये ट्यूब है करिश्मा की कोजिक्ट क्रीम। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये इतनी सी क्रीम में जादू है, बहुत अच्छी क्रीम है। और ये इसकी विटामिन सी का जेल है, ये आपने थोड़ा सा मटर के दाने के बराबर इसको उस क्रीम के अंदर मिक्स करके तो अपने सारे फेस के ऊपर इसको लगा लेना। ये उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी हुई है आप इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको उर्दू में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है, आप चेक कर लें आपको कैसे लगता है, जैसे बेहतर लगता है आप उसको वैसे ही फॉलो करें। ये साथ ही इन्होंने अपने और प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं हमारे जी, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इनकी है जी, ये पैरालाइज्ड क्रीमी फेस वॉश है, उसके बाद इंस्टेंट वाइटनिंग फॉर्मिंग फेस वॉश जेल है, उसके बाद हैंड एंड फीट वाइटनिंग स्क्रब है, हैंड एंड फीट वाइटनिंग स्क्रब ये वाली जो है ये मैंने भी यूज़ की हुई है, ये इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये विद इन 3 और 4 डेज में आपके फीट और हैंड को जो है ये इतना ज़्यादा ग्लो दे देती है, इतना ज़्यादा उनको सॉफ्ट कर देती है, आपको विजिबली नज़र आएगा। उसके बाद इनकी एडवांस ब्यूटी कोड सुपर ग्लोइंग क्रीम है, ये भी अच्छी है इनकी, तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहरहाल ये कोजिक क्रीम जो इसकी है ये आप इसको नाइट में भी लगा सकते हैं, इसको डे में भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर है अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं, क्योंकि ये सूदिंग टाइम जो है वो नाइट का होता है, इंसान की स्किन जो है वो सूदिंग फील करती है नाइट टाइम में। अगर आप इसको इवनिंग में लगा लें तो भी बेहतर है, अगर नाइट में लगाना चाहते हैं फिर भी बेहतर है, तो अगर डे में लगाएं तो वो ऐसे रिकमेंडेड तो है, आप डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये नाइट में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और वॉच जरूर करें, लाइक कर दें, थैंक यू, शुक्रिया।